Can we have a mic, please? अरे अनिल, अरे बैठना, अरे बैठ जा भाई, फोटो बाद में लेना। सबसे पहले आप मुझे बताएं, तब की राधा और अब की राधिका, मैं इनसे बोल रहा था कुछ तो भी सिमिलर है, क्या है? तब की राधा को मथुरा से बहुत प्यार था, राधिका को भी अपने कंट्री से बहुत प्यार है, इंडिया से बहुत प्यार है। राधा को नाचने का बहुत शौक था, राधिका को भी नाचने का बहुत शौक है। राधा को एक और चीज से प्यार था, कृष्ण, है ना? तो यहाँ पे इस राधा का कृष्ण कौन है, मनोज या अर्जुन? फिलहाल दोनों राधिका से प्यार करते हैं, बट राधिका उसी को मिलेगी जिसके तेवर थोड़े ज्यादा हो, और ये बात हमें 9 जनवरी को पता चलेगी। अच्छा, एक चीज जो अभी हम सब जानना चाहते हैं, दैट इज कि ऐसा क्या है राधिका में जो दोनों के दोनों फिदा है एकदम? बोलने की बात है, हमारे तेवर ही कुछ अलग है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, फिर आप बोल रही हैं तेवर ऐसे हैं, तो एक झलक हम सब भी देखना चाहते हैं, हो जाए क्या? बिल्कुल हो जाए, बट जरा संभाल के, कहीं आपका दिल भी उड़न छू ना हो जाए। हम तो बाहर रख के आए थे आने से पहले यहाँ पे। कुछ
और सवाल जवाब सेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। सोनाक्षी जी, सोना के तेवर और राधा के तेवर में क्या अंतर है? क्या अंतर है? फिलहाल ये गाना देखकर तो कोई अंतर नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों को डांस से इतना ही लगाव है। एंड क्योंकि सोना के तेवर है इसलिए वो राधिका है तेवर फिल्म में। अच्छा, दिस नंबर इज वेरी नाइस, इट्स नॉट एन आइटम नंबर एट ऑल, but still it has that raunchy feel and foot tapping number. So what would you like to name it, what genre? I don't think it has a raunchy feel, but it's a very, kya bol rahe ho ma'am, Radha Krishna ka gaana hai, how can you call it raunchy? नहीं, ये सवाल किसने किया वो तो दिख जाए। यही अगर हम कहते हैं तो कंट्रोवर्सी बना देते हैं। अब ये पूछ रही है, साउंडिंग वेरी नाइस। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, लेकिन वो जॉनर वुड यू समथिंग न्यू नेम, इट्स वेरी पेपी, इट्स फुट टैपिंग, या फुट टैपिंग, इट्स गॉट ग्रेट बीट्स, इट्स एक्चुअली अ फ्यूजन ऑफ इंडो एंड वेस्टर्न म्यूजिक एज वेल एज कोरियोग्राफी। And I think everybody who's you know, been a part of this song, everybody who's worked hard on this song has done such a fantastic job. Bremo sir, thank you for giving me a new style of dance, and I've had so much fun while shooting this song. Bremo sir and his team, of course, and thank you Sajal Ajit bhai, they've always given me great music, and this is just best coming from all of them. Remo has made you dance to his tune. So how different is he from Prabhu? I think everybody is different from each other. Everybody has their own style, their own sensibilities, their own way of working. It was great working with Prabhu sir, as it is amazing working with Remo sir, and I would like to keep working with him again and again and again. Hi, Sonakshi here. Hi, Tanya from Bolistan News. सोनाक्षी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, काफ़ी अच्छा लग रहा था डांस, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो अदा है, आपकी एक्सप्रेशन है, वो हमें माधुरी की याद दिला रही थी। तो अच्छी बात है। आप कितना प्रिपरेशन किया आपने इसके लिए, और साथ ही क्लासिकल के लिए आपका आइडल कौन है? क्लासिकल डांसिंग मुझे देखना बहुत पसंद है, ऑफकोर्स जैसे आपने माधुरी जी का नाम लिया, शी इज़ अ फिनोमिनल डांसर, एंड यू नो आई वुड लव टू बी एबल टू डांस लाइक हर, बट आई स्टिल थिंक नोबडी कैन डांस लाइक हर। देन ऑफकोर्स देयर इज़ श्री जी हु डांसेस सो वेल, एंड हु इज़ सो यू नो बीन स्टनिंग एंड अमेज्ड अस विद हर डांस नंबर्स एज़ वेल। सो प्रेपरेशंस मैंने रिहर्सल की थी रेमो सर के साथ, और जब मैं रिहर्सल हॉल में गई और जब मुझे ये हिप हॉप स्टाइल इंडियन सब मिक्सचर दिखाया, तब मैंने बोला ये भाई मुझसे नहीं होगा। तो दे वर लाइक नहीं भाई, ट्राई तो करो। तो आई ट्राइड इट एंड आई थिंक आई गॉट इट। हाय सोनाक्षी, प्रेरणा, आई वुड ऐड टू दैट, आई थिंक मैंने पहली बार काम किया है सोनाक्षी के साथ, एंड आई मस्ट से she is one of the best dancers we have. Absolutely, she is. Thank you. Hi, Sonakshi. Hi. This is Prerna from Rajshri. My question is that aise reports aayi thi that you're stuck between the promotions of your three upcoming films, Tevar, Linga, and Action Jackson. I'm not stuck. I'm promoting all no, these films. No, so kitna difficult ho raha hai aapke liye promote karna teenon films ek saath? Is baar shayad utna difficult nahi, kyunki I'm not also shooting for another film, so relatively easier for me. I have allotted time for each of my three films, and yeah, I'm doing it. I'm not stuck in any. Sonakshi, hi. एक सवाल था, but आपकी मम्मा भी हैं, तो इसलिए सॉरी अगर उन्हें अच्छा ना लगे तो. तो फिर मत पूछे. जर्नलिस्ट हूँ. या तो खड़े होके पूछे, या तो उनके सामने आके पूछे. Yes. सामने आके. सामने आके. Hello. स्टेज पे. खड़ा हो जाएगी. अभी आ जाए. एक बात याद रखना, बहन के साथ भाई भी खड़ा। सामने आ जाओ, मम्मी भी अपने तेवर दिखाएंगी। डर लगता मुझे। तो फिर मत पूछो, सिंपल बैठ जाओ। पूछना आपसे ना। ओके, जैसा कि अक्सर माना जाता है, अभी अभी बात भी हुई कि राधा का प्यार कृष्ण माना जाता है, तो सोनाक्षी का कृष्ण अगर हमें मालूम पड़े या बताना चाहे। बोला ना 5 दिसंबर
सॉरी 9th जनवरी को पता चलेगा। नहीं ये तो फिल्म रियल लाइफ की अगर बात है। रियल लाइफ में वो भी आपको मतलब आप मेरे दोस्त है, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है जो मैं आपको बताऊंगी। ओके चलिए। और एक सवाल कि मैंने ऐसा कहीं तो ऐसा पढ़ा था कि आई होप कि गलत न्यूज हो कि आफ्टर लिंगा बैठ जा सैंडविच बाद में मिलेंगे। बैठ जा कोई बात नहीं, बाद में फिर करेंगे। नेक्स्ट वीक सुनाक्षी पहले हाय। जी हाय। पहले राधा बांसुरी के धुन पे नाचती थी, पर आजकल ऐसा है कि लाउड म्यूजिक पे। व्हाट आई हैव टू से मतलब दिस इज अ मॉडर्न वर्जन यू कैन से। आई गेस सो। द सेम क्वेश्चन इज टू साजिद वाजिद। राधा हैज आल्सो मूव्ड अहेड विद टाइम्स एंड म्यूजिक तो म्यूजिक होता है एंड अगर द लाउडर द बेटर। एंड श्री बांसुरी में माइक और एक सबवूफर लगा दिया है और कुछ नहीं। सोनाक्षी ये आईब्रो अपलिफ्टिंग है ये जो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम हीरोइंस बॉलीवुड में हमने देखा, बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपको क्या मुश्किल हुआ या आप कर पाती हैं आराम से? मैं एक्चुअली आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू डू इट, बचपन से मैं करते आ रही हूँ तो मेरे लिए बहुत सिंपल है एक्चुअली। एक सवाल माधुरी से। ओह सॉरी सोनाक्षी। माधुरी हावी हो। वेलकम बैक। शर्मिंदा इधर देखिए सोनाक्षी। सोनाक्षी Okay, so can we continue if everybody is now settled down? खर्चा खाली मुझे याद है गाना जब खत्म हुआ था एंड वी वर स्टार्टिंग द सुपरमैन सॉन्ग, तो अर्जुन जब आया आगरा में बोला चाचू मेरे गाने के लिए कुछ पैसे बचे हैं कि नहीं। तो बस पैसे थे, पिक्चर भी बना दी, कंप्लीट हो गई। और अमित ने बहुत जबरदस्त पिक्चर बनाई एंड आई हैड द सपोर्ट ऑफ बोनी एंड इरोस, सो वी मेड अ ग्रेट ग्रेट फिल्म। हेलो सोनाक्षी जी, अभी लगातार आपके 3 हफ्ते तक फिल्में हैं लगातार? उसके पहले और उसके बाद नहीं होगी। बट हाँ आई थिंक आई एम मैनेजिंग, क्योंकि मैंने ये few days जो है एक महीना जो है मैंने promotions के लिए ही रखा है, तो I'm well prepared for it, don't worry. सोनाक्षी राधिका को नाचने का शौक है, तो सोनाक्षी को real life में किस चीज का शौक है? मुझे भी नाचने का शौक है, and I think वो शायद आपको मेरे गानों में दिखाई देता होगा। I am really fond of dancing, not you know I'm not professionally trained in any particular art form, but बचपन से मुझे काफ़ी शौक रहा था। मैं बर्थडे पार्टीज में जाती थी तो पार्ट लेती थी डांस कॉम्पिटिशन में, और जब मुझे प्राइज नहीं मिलता था तो मैं बहुत गुस्सा होती थी। एंड आई थिंक अब जो जितनी भी बार मैं नहीं जीती हूँ उसके सारी भड़ास मैं अब निकाल रही हूँ स्क्रीन पर डांस कर करके। सोनाक्षी हाय, आकांक्षा हियर फ्रॉम 9X। माय क्वेश्चन टू यू इज, वी आर सीइंग अ वेरी मॉडर्न राधा हियर, सो डू यू थिंक द स्टीरियोटाइपिकल रोल ऑफ वुमेन इन बॉलीवुड इज चेंजिंग? I mean, it's always been changing. The Hindi film heroine that you see on screen has always been changing. It's all about evolution, I guess. And you know, the kind of films that people are making now are changing, are very different. More kinds of films are being accepted by the audiences. So definitely, it's a great time for the heroine in Hindi cinema. And hopefully, we get to see a lot more new avatars. future project, well no I guess it's become a
changed my lifestyle. Yes, they had asked me to lose weight for Tevar, which I took very seriously because Amit wanted me to look different than how I looked in my previous film. So he asked me to curl my hair. So I have curly hair in the film, and I've trimmed down a bit for the film. But after that, I think it's just become a change in my lifestyle. And over a period of time, if you're regular with something, that I guess makes a change. And to support Sonakshi, we all decided to lose weight, so we just all lost weight. All right, one last sawal. I have the question. Sajid bhai, Wajid bhai, yeah? Hey, abhi hai? हाँ, मैं बोला था आज सितारा देवी का निधन हो गया और अपना गाना भी डांस उस पे है. मैं चाहूंगा कि आप लोग एक लाइन मतलब उनके लिए, क्योंकि सितारा देवी ने मतलब जो भी ईयर बॉलीवुड में दिए हैं, तो आप सब यहाँ पर मौजूद हैं. जी, बहुत अफसोस की बात है. एंड वी आर ऑल वेरी सैडन्ड बाय यू नो द लॉस टुडे. एंड शी इज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन और हमेशा रहेंगी हम सब के लिए. आई एम श्योर आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी हियर. हाय साजिद भैया, my question to you is 2014 has been a great year for you, be it Jai Ho or Heeropanti or Maitri Raya and now Tevar. So what do you have to say about that? The music of all the films have been very good. I think down the line we've learnt music now, and I think we are used to giving good music, so you can clap now. Tevar to dekho. She's very lucky for us, you know. She got us and all the awards. They are very lucky for me. They've always given me such amazing music. From the music. First song, Tere Mast Mast Dhun Hain, to Radha. Now you can just count Dan and Dang and all the songs. So all dancing numbers. But yeah. I would like to say something here. You know, khair, ye to, she's like a family only. But working first time with Sanjay sir and Amit, it's a very good feeling and बहुत अच्छा लगा काम करके. Amit, you are a very talented guy. And inshallah puri duniya dekhegi jab aapki film chalu hogi. We really enjoyed working with both of you all. And Remo, and full 10 points to my friend Remo. Remo, thank you very much for designing my songs. Thanks. My second question. And she's written the lyrics, huh? Kausar Mani, please click us. Hamesha ek cheez bolna bhul jata hu ke in sab ke beech mein sabse zyada I enjoy working with Boni sir. So please big round of applause for Boni sir. Because वो जब बुली करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता. No, I'm going to stand in his defense. He's the sweetest producer I've ever worked with. I'm talking in the sweetest way only. You should know how when he talks to me. Late, डेढ़ बजे, दो बजे जब फोन आएगा, बोले वाजिद मियां, आपने. I thought you would say दो बजे तो सो रहा था क्या? रात को दो बजे आप ही सोता ही है. नहीं नहीं, वो हमेशा उनका कुछ रहता है, तीन बजे, चार बजे. But I love you, sir, and it was a always pleasure working with you, sir. Thank you very much for this opportunity. And I would like to add, in the end, I feel like I won some award or something. But I would really like to thank Boni Uncle and Sanjay Jaju for giving me this this film and a song like Radha Nachegi on such a huge scale. I don't think you know, anything that I've ever done before has looked this big and on been done on such a large scale. So thank you so much. Actually log humse koi sawal pooch hi nahi rahe, hum khud hi bol rahe hain. Sawal ho gaye, ab hame bhi bolne ka mauka. And before we start again, and this genius person over here, Amit something. Sharma, he is, bolo tumhare bare mein sach. Amit ha? Bolo Amit, bolo ha, bol bol do tumhari ha. इतना तंग किया है इस आदमी ने, बट जो नतीजा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आई मीन वो देख के जब मैंने रशेस देखी, सही बोल रही, तो सब माफ. ही इज अ ट्रू जीनियस एंड द वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट आई हैव एवर वर्क विद. अमित, थैंक्स सोनाक्षी. अमित, माय सेकंड क्वेश्चन इज टू यू ओवर हियर टुवर्ड्स हियर. Like Sonakshi said, the song has been shot on a very large scale. So how difficult was it for you to shoot like the first movie and such a big song? So how was it? It was difficult, but Remo, Sonakshi, all the people who are involved, like Remo's crew and everybody, my producers, they made it so easy for me. My DOP and Kausar, my music director, everybody made this thing so easy for me that it was like a cakewalk. We didn't face any, like, you know, I won't get into details, but yeah, it was lovely shooting this song. I was so happy. Remo.
Remo, here, towards your left, Remo, here, straight here. I hope you are not as shy as Prabhudeva. There is a request if you and Sonakshi could shake a leg to the song. Let's end it on a good note. I've learned it from you, man. Definitely showing a leg. I'm showing more legs. Come on, Remo, be a sport. Come on, Remo, go. Sir. Shake a leg. Remo, sir, shake a leg. Let's go. Some people might find it a bit objectionable. Some people might not. It also depends on how you are projecting yourself, how a person is being projected on screen. So I guess it depends on maker to maker, person to person. And I don't know how to get into this argument because it's just never ending. And personally, you are fine with item numbers being under focus? I mean, you've seen the kind of songs that I do and the kind of songs that I've always been doing. It's never about... I don't think anybody has ever been able to call any of my songs raunchy or... objectionable or, you know, provocative in any way. So that's how I am, that's how I will be. And I'm happy. Okay, thank you. Sonakshi, ek aur sawal. Aapko Sajid Wajid mein se Sajid ke saath kaam karne mein kaisa laga? Aap hai kahan? Main nahi dikhunga mera naam. It's you. Thank you, everyone.
एक सेकंड। मेरे भाई संजय ने जब कहा कि इट वॉज इरास एंड बोनी, ही फॉरगॉट टू मेंशन माय डियर फ्रेंड सुनील मनचंदा, नरेश अग्रवाल एंड गौतम कुमार, दे ऑल हैव बीन, दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव एंड विदाउट देम दिस फिल्म वुडंट हैव हैपेंड। एंड वी आर फॉरगेटिंग आवर सुपरमैन। एंड ऑफ कोर्स माय सन ही इज सॉरी अर्जुन के बारे में क्या बोलूं? Well, I've seen him grow. I've seen him evolve himself into the person that he is, the young man that he is. I feel very proud the way he's evolved himself. His dedication, his sincerity, his hard work is something which should inspire so many youngsters. As you all know, he was a really healthy guy. In fact, at one point he was even healthier than what I am at this point of time. And the kind of discipline he's shown in getting to shape the way he is today. In fact, he's been the motivating factor where this film is concerned. At every step, he's been supportive. He's participated in every aspect of this film, be it the scripting, be it the making, be it the, I mean, locations, every aspect of this film, he's been part of it. And I couldn't have asked for a better son than him. And I feel really proud to be his father at this point of time. Bye.